नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन चेक बाउंस चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी पार्टी को गुड सेल आउट करते हैं और बदले में वो हमें चेक देता है और चेक देने पर हम उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और वो चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमारे बैंक अकाउंट से बाउंस चार्जेस या डिसऑनर चार्जेस या चेक रिटर्न चार्जेस डिडक्ट कर लेता है और साथ ही साथ बैंक उन चार्जेस पर जीएसटी भी अप्लाई करता है। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो चेक उस पार्टी ने हमें दिया था और वो डिसऑनर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में वो बैंक चार्जेस या वो बैंक बाउंस चार्जेस या चेक डिसऑनर चार्जेस या रिटर्न चार्जेस हमें अपने पार्टी से लेने होते हैं। तो क्या जो बैंक चार्जेस हमारे बैंक से डिडक्ट हुए हैं और बैंक ने उन चार्जेस पर जीएसटी अप्लाई किया है तो जब हम उन चार्जेस को अपनी पार्टी से लेते हैं क्या हमें उन चार्जेस पर अपनी पार्टी से जीएसटी को रिकवर करना है? यदि रिकवर करना है तो फिर आईटीसी का क्या होगा? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें अपने बैंक चार्जेस पर मिलती है उसका क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जीएसटी में हमें क्लोज 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 को देखना होगा जिसमें कुछ एंट्रीज को स्पेसिफाई किया गया है और उन एंट्रीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह माना गया है। इसके सब क्लोज ई टू सब क्लोज 5 में एक डेफिनेशन दी गई है कि एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। इट मींस जिस पार्टी ने हमें चेक दिया है वो चेक किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत दिया गया है। जब हमने उसे गुड सेल आउट किया तो ये उसका उत्तरदायित्व था कि वो उसका भुगतान करे और भुगतान के बदले में उसने हमें जो चेक दिया है वो चेक का पैसा हमारे बैंक में आ जाना चाहिए था। लेकिन पार्टी ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया, अपने उत्तरदायित्व से उसने बचना चाहा है और उसके इस एक्ट से हमें चेक डिसऑनर चार्जेस की सिचुएशन को फेस करना पड़ा। इसीलिए बैंक चार्जेस के साथ साथ हम अपनी पार्टी से जीएसटी भी रिकवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और दोस्तों साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसे भी आप जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हमें बैंक डिसऑनर चार्जेस की एंट्रीज जीएसटी के साथ पोस्ट करनी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल कर लेना है और कुछ लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। यहाँ मैंने आपके लिए सबसे पहले बैंक चार्जेस को क्रिएट किया है जिसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है और दोस्तों इस पर जीएसटी को एप्लीकेबल करते हुए जीएसटी की डिटेल को यस किया है और इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेस टैक्सेबल लिया है। चूँकि मैंने अपने बैंक को सेम स्टेट का माना है इसलिए मैंने यहाँ पर परचेस टैक्सेबल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल भी ले सकते हैं। देन नीचे टैक्स रेट 18% सेट करते हुए सर्विस लेते हुए इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हमें टैक्स लेजर्स सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रिएट कर लेना है और एक बैंक का लेजर क्रिएट करना है जिसे हमने बैंक ग्रुप में रखा है और बैंक की सारी डिटेल को यहाँ पर फिल आउट करते हुए ध्यान रखना है हमें कि हमें अपने बैंक का जीएसटीएन नंबर भी यहाँ पर फिल आउट करना है। देन जो पार्टी है, जो हमारी डेटर है जिससे हमें पैसा लेना है और जो हमें चेक देने वाली है उसे हम सैंडी डेटर में रखेंगे और उसका सारा डिटेल यहाँ फिल आउट करेंगे और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन टाइप हम उसका रेगुलर रखेंगे और जीएसटी नंबर फिल करते हुए इसे सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ मैंने इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रखा है। इट मीन्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा एक बिल उससे ड्यू चल रहा था और वो पैसा हमें इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव होने वाला है। अब चलते हैं हम अपने रिसिप्ट वाउचर में और पार्टी हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जो चेक दे रही है मोगरा एंड कंपनी 10,000 रुपीज़, उस अमाउंट को हम अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए एडजस्ट करने वाले हैं और इस अमाउंट को हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। चेक था, चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। नेक्स्ट डे सपोज हमारे बैंक से हमें पता चलता है कि हमारी पार्टी का चेक डिसऑनर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हमें F5 पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी होती है। मोगरा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ फिर से आप लिखिएगा और चूंकि अब चेक डिसऑनर हो गया है इसलिए हमें ऑन अकाउंट में लेते हुए इस अमाउंट को एडजस्ट करवाना है और बैंक को हमें क्रेडिट करना है। इसे हमने अपने पार्टी के अकाउंट में फिर से 10,000 को डेबिट कर दिया है। अब दोस्तों इस कंडीशन में बैंक ने बैंक चार्जेस भी हमारे पर अप्लाई किए हैं
तो बैंक चार्जेस की एंट्री भी हमें पोस्ट करनी होगी। आप उसे पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप उसकी एंट्री परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री पोस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सपोज़ बैंक चार्जेस 100 रुपीज़ बैंक ने चार्ज किया है, और यहाँ पर बैंक चार्जेस के साथ साथ बैंक ने उसके ऊपर CGST 9% के हिसाब से, टोटल 18% है, तो 9% के हिसाब से 9 रुपीज़ CGST और 9 रुपीज़ ही SGST हमारे ऊपर चार्ज करते हुए ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया है। अब ये जो 118 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं, इन 118 रुपये को हमें अपनी पार्टी से रिकवर करना है। उससे पहले अब हम अपने बैलेंस शीट में देखेंगे, तो यहाँ हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 18 रुपीज़ डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। GSTR 2 के अंदर आप देखिएगा ITC अवेलेबल में 18 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। अब चूंकि ये 118 रुपये हमें अपनी पार्टी से रिसीव होने वाले हैं, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम फिर से चलेंगे अपने जनरल वाउचर में। तो आप अकाउंटिंग वाउचर में F7 प्रेस कीजिएगा, जनरल वाउचर, यहाँ हमें अपनी पार्टी को डेबिट करना है 118 रुपये से, ऑन अकाउंट में ही आप इसे लीजिएगा। देन क्रेडिट हमें करना है अपने बैंक चार्जेस को, क्योंकि वो बैंक चार्जेस हमें इस पार्टी से रिकवर होने वाले हैं। लेकिन जो बैंक चार्जेस का अमाउंट था वो था 100 रुपीज़। वास्तव में बैंक चार्जेस यहाँ पर चेक डिसऑनर चार्जेस हैं जो बैंक ने हमारे ऊपर अप्लाई किए थे, और हम अपनी पार्टी से उसे रिकवर कर रहे हैं। इन बैंक चार्जेस पर GST भी हमें अपनी पार्टी से ही रिकवर करना है, तो CGST 9 रुपीज़ और SGST भी 9 रुपीज़ लेते हुए हम इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। अब चलेंगे हम अपनी बैलेंस शीट में फिर से देखेंगे, तो यहाँ पर अब आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नील दिखाई दे रहा है, और जब आप अपने GSTR रिपोर्ट्स में देखेंगे GSTR 2 में, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट डेबिट नोट्स रेगुलर, और उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यूज माइनस हो चुकी है 100 रुपीज़, टोटल टैक्स भी माइनस हो चुका है, टोटल ITC भी अब माइनस हो चुकी है। दोस्तों वास्तव में आप चाहते तो इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर की जगह पर डेबिट नोट पे भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह की एंट्री करने के लिए डेबिट नोट का यूज़ कीजिए, या आप जनरल वाउचर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप जब GSTR 3 भी देखेंगे, तो यहाँ पर यदि हम वो जनरल की एंट्री पोस्ट नहीं करते, तो एलिजिबल ITC के अंदर हमारा जो अमाउंट था 18 रुपीज़ वो यहाँ पर शो हो जाता है, और वो एंट्री पोस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री हमने पोस्ट कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब किसी तरह की कोई ITC रिसीव नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।